उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। रंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 330 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। शहर में बढ़ रहे अपराध पर नकेल कसने को लेकर एसएसपी ने की अहम बैठक। लंबित मामलों पर त्वरित कार्यवाही और अपराधियों पर भय बनाने को लेकर कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। भागलपुर में लगातार बढ़ रही अपराध पर नकेल कसने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक रखी गई। ये बैठक भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आयोजित की गई। आज के इस मासिक क्राइम मीटिंग का मुख्य उद्देश्य शहर में अपराध पर लगाम लगाना है। इस क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार कर रहे थे। उनके अलावा लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी, एएसपी और कई थानों के थानाध्यक्ष उपस्थित थे। क्राइम मीटिंग के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने एक एक कर सभी थानों की रिपोर्ट ली, साथ ही सभी लंबित मामलों के बारे में और शहर में अपराध पर नकेल कसने को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही जल्द से जल्द कई लंबित केसों का निष्पादन करने को लेकर कई थानाध्यक्षों को दिशा निर्देश भी देते दिखे। पुलिस ने महज 4 घंटों में लूटकांड की घटना का किया उद्भेदन। हथियार के साथ 3 अपराधियों को नवगछिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस भी इस पर नकेल कसने के लिए कई हथकंडे अपना रही है। नवगछिया पुलिस ने महज 4 घंटों में लूटकांड की घटना का उद्भेदन किया। बता दें कि बीती रविवार की देर रात्रि करीब 2:45 पर NH 31 पर एक पिकअप चालक से हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद नवगछिया पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए महज 4 घंटों में ही लूट की घटना का उद्भेदन करते हुए 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यालय डीएसपी सुनील पांडे ने बताया कि 9 अप्रैल की रात जगतपुर के समीप NH 31 के पास एक पिकअप चालक से एक बाइक पर सवार 3 अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार का भय दिखाकर मोबाइल और रुपए लूट लिए गए थे। 3 अपराधियों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी गिरफ्त में ले लिया। तलाशी के क्रम घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व एक देसी कट्टा, देसी रिवॉल्वर और एक जिंदा कारतूस और लूट की 3 मोबाइल और लूट की गई नकद 2,610 रुपए की बरामदगी की गई। महानगर की तर्ज पर अब भागलपुर में भी सिग्नल तोड़ने वालों की ऑटोमेटिक कटेगा चालान। भागलपुर में यदि आपने अब सिग्नल तोड़ा तो ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। रेड लाइट जंपिंग, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने जैसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब आप नहीं बच पाएंगे। चालान काटने के 3 मिनट के अंदर आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत शहर के विभिन्न चौराहों पर अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया। यातायात नियमों के इस नए स्वरूप से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। शहर के 16 ट्रैफिक सिग्नल प्वाइंट पर 256 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें अभी तक 100 से अधिक कैमरे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। ये कैमरे 6 मीटर से 100 मीटर तक का फोटो के वीडियो रिकॉर्ड कर सकेगा। इस प्रोजेक्ट पर 235 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी योजना के तहत खर्च हो रहे हैं। कई सिग्नल जो ट्रायल पर चल रहे हैं जल्द शुरू किए जाएंगे। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम तेज गति से चल रहा है। यहीं से पूरे शहर में लगे स्मार्ट के कैमरे को नियंत्रित किया जाएगा। ये नई व्यवस्था जून के अंतिम सप्ताह से सुचारू रूप से लागू हो जाएगी। जिलाधिकारी सुब्रत सेठ ने बताया कि ICC भवन का काम चल रहा है। अगले 2 महीने में शहर में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगने हैं, जिसमें एडवांस फैसिलिटी है। ट्रैफिक के साथ साथ विधि व्यवस्था में इससे सहूलियत मिलेगी। 2 महीने के अंदर ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। RN फैमिली रेस्टोरेंट, RN पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। RN रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट RN फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335।
इंटर के छात्र प्रियांशु हत्या मामले में परिजन पहुंचे जान माल की गुहार लगाने वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय। अज्ञात अपराधी प्रियांशु के परिजन को लगातार दे रहे हैं जान से मारने व केस उठाने की धमकी। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम इंटर के छात्र प्रियांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका उद्भेदन करते हुए पुलिस ने रविशंकर कुमार को गिरफ्तार किया था। साथ ही घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा भी बरामद किया गया, लेकिन इस घटना को अंजाम देने में कई और आरोपी भी इसमें शामिल है, जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वो बेलगाम घूम रहे अपराधियों के द्वारा प्रियांशु के घर पर देर रात जान से मारने की धमकी दी गई और केस जल्द से जल्द उठाने की भी धमकी दी। डरे सहमे परिजन वरीय पुलिस अधीक्षक से जान माल की गुहार लगाने पहुंचे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने आवेदन देने की बात कही और उन्होंने कहा कि उस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक प्रियांशु के मामा ने कहा कि हम लोगों को व्यवस्था चाय दुकान का है, हम लोग बाहर जाकर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, अपराधियों के भय से हम लोग घर में बंद हैं। वहीं दूसरी ओर मृतक प्रियांशु की मां ने कहा कि हमारे बेटे को षड्यंत्र के तहत 3-4 लोगों ने मिलकर मारा, मुझे इंसाफ चाहिए और जिन्होंने मेरे बेटे के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बीजेपी कोई गाजर मूली नहीं जो महागठबंधन उसे उखाड़ फेंकेगी। मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू कहते दिखे सैयद शाहनवाज हुसैन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे और उन्होंने बिहार में हिंसा को लेकर महागठबंधन की सरकार पर जमकर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, हिंसा बिहार के हित में कहीं से भी सही नहीं, बिहार में कानून का राज स्थापित होना चाहिए, तनाव कहीं भी हो तो सरकार को तुरंत एक्टिव होना चाहिए और उस पर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को हिंसा से दूर रहना चाहिए। वहीं उन्होंने 1989 के भागलपुर दंगों को याद दिलाते हुए कहा कि भागलपुर के लोग जानते हैं हिंसा की तीन नुकसानदायक है, इसलिए सामाजिक सौहार्द व भाईचारे को बनाकर लोगों को समाज में एकता का परिचय देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इसी राह पर अगर बिहार सरकार चले तो कहीं भी कोई तनाव नहीं होगा। वहीं उन्होंने वर्तमान महागठबंधन की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब बीजेपी हुकूमत में थी तो नीतीश कुमार को ये पार्टी अच्छी लगती थी, लेकिन जब बीजेपी से अलग हुई है तो बुरी हो गई, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू करने वाली पार्टी है। वहीं 2024 चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में 40 सीट में से 39 सीट भाजपा ले आई थी, वहीं इस बार 40 में से 40 सीट से बीजेपी जीतेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अगर महागठबंधन कहती है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी तो बीजेपी कोई गाजर मूली नहीं जो बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। भीम चौपाल के दौरान मंत्री अशोक चौधरी के सामने जदयू के दो गुटों के बीच हुआ जमकर विवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के भी लगे नारे। भागलपुर के कहलगांव में भीम चौपाल के दौरान मंत्री अशोक चौधरी के सामने जदयू के दो गुटों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विवाद बढ़ता देख बीच बचाव करने जदयू के कई बड़े नेता सामने आकर शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। तब मंत्री अशोक चौधरी के सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को शांत कराया। दरअसल बताया जा रहा है कि जदयू के पुराने कार्यकर्ता को दरकिनार कर कांग्रेस से जदयू में आए कार्यकर्ताओं को पार्टी के विभिन्न पदों पर मनोनीत किया है, जिससे नाराज होकर पुराने जदयू कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। हंगामे के दौरान जदयू कार्यकर्ता मंच पर चढ़कर जदयू के प्रदेश महासचिव शोभानंद मुकेश, अध्यक्ष विपिन बिहारी और सीएम नीतीश के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 15 से 20 मिनट तक स्थिति असामान्य रही। जदयू के पुराने कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग कई वर्षों से जदयू पार्टी के लिए काम किए, लेकिन पार्टी ने हम लोगों के साथ छल किया। पार्टी ने नए लोगों को, जिनका अभी 5 महीने भी पार्टी में नहीं हुए, बड़े पदों पर पदस्थ कर दिया और हम लोगों को दरकिनार कर दिया, ये सहन नहीं होगा। भागलपुर में कोरोना के आधा दर्जन मरीज मिले, 200 से अधिक लोगों में पाए गए कोविड के लक्षण। सिविल सर्जन ने मास्क लगाने की अपील और भीड़ वाली जगहों पर जाने से किया मना। बिहार में कोरोना के मरीज फिर से बढ़ने लगे। एक तरफ जहां संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा अभी पटना में है, वहीं भागलपुर में कोरोना के आधा दर्जन मरीज मिले और 200 से अधिक लोगों में कोविड के लक्षण पाए गए। वहीं भागलपुर से सटे जिला मुंगेर में कई लोग कोरोना से संक्रमित मिले, इस बात से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सिविल सर्जन अंजना कुमारी लोगों से मास्क लगाने की अपील की और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करने की बात कही। भागलपुर सदर अस्पताल की सिविल सर्जन अंजना कुमारी ने पुष्टि की है कि भागलपुर में कोरोना के 3 मरीज
पाए गए, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जो राज्य सरकार से दिशा निर्देश दिए गए, उसमें साफ तौर पर कोरोना से सतर्क रहने की भूमिका पर चर्चा करते हुए सचेत व दुरुस्त रहने की बात कही गई, जिसमें हम लोग टेस्टिंग ट्रीटमेंट से लेकर आइसोलेशन वार्ड बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था दुरुस्त कर चुके हैं। जो संक्रमित हो गए हैं उन्हें आवश्यकता अनुसार दवाइयां भी दी जा रही हैं। गौरतलब हो कि सदर अस्पताल में 70 बेड का कोरोना वार्ड है, जिसमें 30 बेड सारी सुविधाओं से लैस कर दिए गए, जहां चिकित्सक नर्स से लेकर ऑक्सीजन प्लांट तक की व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई। वहीं सिविल सर्जन ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करना शुरू कर दें, भीड़भाड़ में न जाएं, दूरी बनाकर रखें और अपने घर व आसपास को साफ सुथरा रखें, जिससे संक्रमण न फैले।